गुलबर्गा शहर के भीमनगर वार्ड नंबर 19 में कॉरपोरेटर परवीन बेगम और उनके हस्बैंड जनाब गौस मत्तेमुड़ की जानिब से अवामी मसाइल को सुन हल करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें भीमनगर के अलावा कालाहुड़ा, सैयद गली, नरोना गली, हज कमेटी, नया मोहल्ला, गेसुदराज कॉलोनी, बैंक कॉलोनी और वार्ड नंबर 19 के मुख्तलिफ इलाके के लोग यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल थे। इस प्रोग्राम के जरिए कॉरपोरेटर मोहतरमा परवीन बेगम और गौस मत्तेमुड़ ने अपने वार्ड के लोगों के तकलीफात को देख गवर्नमेंट स्कीम्स के फ़ायदे और सहूलत फराहम करवाने का भरोसा दिलाया है। कॉरपोरेटर ने कहा, वार्ड नंबर 19 में ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, रोड, नाली, पानी और दीगर डेवलपमेंट के लिए हमेशा आवाम के बीच रहकर हर मसले को हल किया जाएगा। कॉरपोरेटर को आवाम के बीच आकर लोगों से बात करता देख वार्ड के लोग काफ़ी खुश नज़र आए और कॉरपोरेटर मोहतरमा परवीन बेगम और गौस मत्तेमुड़ की तारीफ कर कहा, अभी कॉरपोरेशन बॉडी तैयार नहीं हुई, इसके बावजूद जब कभी भी लोगों को ज़रूरत महसूस होती है कॉरपोरेटर आवाम के बीच नज़र आते हैं और हम और आप जानते हैं गरीब मजबूर लोग हर गली मोहल्ले में प्राइवेट संघ का शिकार हो रहे हैं। आवाम को संघ के दलदल में फंसता देख गवर्नमेंट संघ स्टार्ट किया गया है, जिसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होगा। वार्ड नंबर 19 के कॉरपोरेटर ने अपने वार्ड के लोगों को गवर्नमेंट संघ और दीगर स्कीम्स के फ़ायदे दिलाने का वादा किया है और इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर वार्ड नंबर 19 में लगातार साफ सफाई का काम करने वाले कॉरपोरेशन लेबर, सुपरवाइजर्स और सैनिटरी ऑफिसर्स को इस प्रोग्राम में बुलाकर उनको तहनियत पेश कर तोहफे की शक्ल में कुछ रकम दी गई है। गौस मत्तेमुड़ ने कहा, वार्ड नंबर 19 में काम करने वाले कॉरपोरेशन के लेबर्स हर रोज़ काफ़ी बेहतरीन अंदाज में साफ सफाई का काम करते आ रहे हैं और ख़ासकर बकरा ईद पर इन लेबर्स ने कहीं भी गंदगी महसूस होने नहीं दिया, इसलिए इनको सम्मान कर तहनियत पेश की गई है। आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 19 की आवाम के बीच रहकर हर मसले को हल करने का भरोसा भी दिलाया गया है। नमस्ते, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मिलके हल करेंगे इंशाल्लाह। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ला के दीजिए घर पे। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे रेडी रखिए, आगे घर पे लेंगे इंशाल्लाह। आज भीमनगर वार्ड नंबर 19 में जो प्रोग्राम रखा गया था, खास करके हमारे होनी के जो औरतें हैं, कुछ टेलरिंग काम करते हैं, कुछ दूसरे घर के काम करते हैं, कुछ शादी खाने में काम करते हैं, सबके एक 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 परस्ती है। मैं सबको सुनकर सबको अलग अलग एक स्कीम के तौर लोन के तौर उनके जो जो परेशान है उसको हल करने की कोशिश करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब प्रेजेंट एक स्कीम है जो संघ है, संघ जो एक बेहतरीन तरीके से जो घर का एक समस्या जो भी आती है उसको बड़े अच्छे अंदाज से उसको ये कर सकते हैं। अब वो संघ बाहर जो संघ रहता है, ये संघ नहीं, ये तंग है। ये गवर्नमेंट से जो संघ आया है, ये संघ ने 10 लेडीज़ की एक राइट स्टेट बनाकर इससे 10 पब्लिक 10 लोग को अलग अलग जो है ना एक ये बना के 10 लोगों की रजिस्ट्रेट कापी बनाकर इसको रजिस्ट्रेशन कराकर जो है ना कॉरपोरेशन से इसको संघ के थ्रू इसको पैसा दिया जा रहा है। और उसी तरह अगर वो लोग सही तरीके से लेके अगर भरते हैं सही तरीके से, तो फिर उसके बाद फिर एक 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 मेंबर को अलग अलग उसको जो है ना ज़्यादा ज़्यादा पैसे आएंगे, वो जैसा पेड़ करते रहेंगे उसको वो पैसा आते रहेंगे उसको। इसकी मैं आज थोड़ी मिली है, आज 10,000 की है, कल 20,000 की होती है, वही कल 50,000 की होती है। जैसा तुम भरते रहेंगे उसी तरह जो है ना उस स्कीम को फॉलो करते रहेंगे तो तुम्हारी स्कीम कंटिन्यू चलते रहती। उसके अलावा हमारे उड़ी में जो जो काम है, आज जो ड्रेनेज का काम है और स्ट्रीट लाइट का है, रोड का है, यहाँ पे नाली का है, पानी का है, मसांड का है और एक हमारी जो आस्था की मंदिर है, जो हमारा मरगम्मा टेम्पल बोल के मंदिर का काम है, ये सारे कामों को सुनने के लिए, सुनकर एक 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 काम को अंजाम देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ के लोग बड़े इससे मेरे को जिता के भी लाए हैं और उसी तरह जो जो कास्ट के जो जो स्कीम आती है मैं बराबर वो स्कीम को लेकर वो कास्ट तक पहुँच कर उनको तकसीम करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आज जो हमारे एरिया के सैनिटरी इंस्पेक्टर दीपक साहब और उनके साथ साथ हमारे अब्दुल गनी सगरी साहब सुपरवाइज़र और उन्हीं के साथ मोहम्मद समीर सुपरवाइज़र, मोहम्मद शर्णु और सुपरवाइज़र, ये नमा हुणी और शर्णु और सुपरवाइज़र, मत नम मलिक अर्जुन और सुपरवाइज़र, इवरी मत नम लेबर गोड़ इवर एलोर कल्त केसिन नम हब्बादाग एलो कॉर्पोरेशन और छुट्टी इद्दीत अद छुट्टी बीट केसिन
ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ರೋಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದದ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗದ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸ ಅದ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಮ್ ಕಂದ್ಕೆಸಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೆಸಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ಕೆಸಿನ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ದ ಕೆಸಿನ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ವಿತ್ ಲೇಬರ್ ಈ ಸಬ್ ಲೋಕ ಬುಲಾಕರ್ ಮೈ ಯಾ ಪೇ बड़े अच्छे अंदाज से दिल के गहराई से उनका शुक्रिया अदा कर उनको शालपोशी गुलपोशी कुछ इनाम दिया गया। ये लोग का मैं सेनेटरी का और सुपरवाइजर का लेबर का और हमारी ये हुणी के जो तमाम लेडीज जेंट्स जो भी है दोस्त जवान नौजवान जो भी लोग हैं सबका तहे दिल से मैं शुक्र गुजार हूँ। शुक्रिया अल्लाह। इवत्तु बड़ा रोज भीमनगर बड़ावणे नम्म एरिया कॉर्पोरेटर महानगर पालिके सदस्य परवीन बेगम ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಗುಜ್ಜುಬಾಯಿ ಮತ್ತಿಮೂಡ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಏನೇನು ಲೈಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ರೋಡ್ ನಾಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದರು ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಅಬ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೇ ಜೋ ಜೋ ಭೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೈ ಗರೀಬೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೋ ಜೋ ಭೀ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೆ ಬಹುತ್ ಹೀ ಅಚ್ಛಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರೇ ಉಸ್ಸೇ ಹಮಾರೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೆ ಪೂರೇ ಲೋಗ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಲೋಗ್ ಮೇಲ್ ಲೋಗ್ ಸಬ್ ಜನೆ ಆಜ್ ಆಯೆ ಥೆ आज आके बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ है मीटिंग हुआ पब्लिक मीटिंग इसके साथ साथ हमारे गुज्जू भाई ऑलरेडी पहले से भी कॉर्पोरेटर होने से पहले भी हमारे एरिया में बहुत सोशल वर्क करे लाइट पानी का उसके बाद तो हम हमारे एरिया में कुछ भी कमी नहीं है अभी तो उन्होंने सीट पे नहीं है ना मेयर है कुछ भी नहीं है कौन भी नहीं है फील्ड पर फिर भी इन्होंने हमारे काम पूरे ऑलमोस्ट ऑल 75% काम करे थोड़े बाकी है वो भी बहुत जल्द से जल्द एक जल्द से जल्द कर तुम बोल के सबके सामने बोले इसके साथ साथ यहाँ के तमाम लोग बहुत खुश है ये मीटिंग से क्योंकि ये फर्स्ट बार हम गुलबर्गे में 55 वार्ड में कहीं भी नहीं हुआ पब्लिक मीटिंग जो उन्होंने खुद खर्च करके सबको बुला के घर घर जाके अभी तक घर घर जाके एक एक के घर घर को जाके ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोल के बोले कॉर्पोरेटर बोले तो बहुत ही बढ़िया बात है। और उसके साथ साथ कोविड में और बकरीद में जो ज़्यादा काम करे जो हार्डवर्क करे अपने जान को खतरे में रखे बहुत ही रिस्क काम करे सो वो लेबर्स है उनके लिए शालकोशी और गुलकोशी करके कुछ इनाम दिया गया है वो गुज्जू भाई के तरफ से। उसके साथ साथ अब आगे जो आ रहा है दिल वो हमारा नगर ने कॉलोनी के टाइप बना तुम बोल के हम सबको ये वादा दिए हैं सर और हम तो बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं ऐसा कॉर्पोरेटर हमारे को कंटिन्यू नोच कॉर्पोरेटर रहेंगे बोल के और एक बार सबको यहाँ पे जो फीमेल्स आए मेल्स आए चौहान साहब और हमारे सुपरवाइज़र सर्स गनी साहब शानू साहब मल्लू साहब हमारे उनका नाम क्या चौहान सर दीपक चौहान सर हमारे मैडम और हमारे मैडम के हस्बैंड गुज्जू भाई सबको मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं गुज्जू भाई उनका हमारे जो कॉर्पोरेटर है उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम बरसात होने दो या कुछ भी होने दो हम लोग काम करते हैं वो काम के लिए हमको पहचान के आज जो हमको गुलफोशी करे हैं इसके लिए हमारे पूरे कॉर्पोरेशन के टीम की वजह से हमारे पूरा सैनिटेशन के टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ना वार्ड नंबर 18 वार्ड नंबर 4 रहा इवर वार्ड नंबर 19 रहा एला नम कॉर्पोरेटर 19 दौर कॉर्पोरेटर नम लेबर एला केस ना सुपरवाइजर नम एस एस ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಭೀಮನಗರ ಬಡ ರೋಜ ಭೀಮನಗರದಾಗ ಅವರೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಕರೆಸರ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಲ ಅವ್ರು ಏನು ಇದು ಮಾಡಂತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳತ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಭೀ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ರೋಜಾ ಬಡಾವಣೆ ಭೀಮನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೂಡ ಅವರು ಕರೆಸಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19 ಸೇ ಸುಪ್ರಜರ್ ಮೇ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ. ಹಮಾರೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19 ಕೆ ಹಮಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಾಹಬ್ हमारे पूरे लेबर्स को हमारे पूरे सुपरवाइजर्स को जो सम्मान करे हम जो कोरोना में और जो बकरीद में जो काम करे हैं उन्होंने देख के क्या मालूम है इतना सफाई देखे हमारे लेबर को हमको जो सम्मान दिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे जो टीम है आज हमारे ये कारपेंटर साहब जो हैं उन्होंने एक सोशल वर्कर हैं उन्होंने अपने इससे उन्होंने जब आके देख के क्या मालूम है हमको हम जो काम करते हैं उन्होंने समझ गए हमको कि इन्हों भी जो काम करते हैं जब भी हम आए रात में 11 बजे 12 बजे बकरीद के टाइम हमारे साथ बराबर उन्होंने कारपेंटर साहब हमारे साथ रहे और साथ रह के कैसा तुमको जो भी ये करेगा तो हमको बराबर हमारा साथ दे तो बोल के तुमको हमको ठहरा करके हमको ये करे. हमारी पूरी टीम को दिलचस्पी हो गई हम पूरा ऐसा काम करें कि कारपेंटर साहब भी और पूरा एरिया वाले भी हमको जो खुश हुए आज ये आर्या समाज के अंदर हमको सम्मान करे हमारे आल सुपरवाइजर और हमारे लेबर्स को लेके हमारे को जो सम्मान करे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ.